नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और एक नई वीडियो में। क्या दोस्तों, आपने भी फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट परचेस किया है? बट दोस्तों, आपको अब लगता है कि हमने जो प्रोडक्ट परचेस किया है वो प्रोडक्ट हमको कैंसिल करना है, बट दोस्तों आपको पता नहीं कि वो प्रोडक्ट हम कैसे कैंसिल कर सकते हैं। तो दोस्तों टेंशन मत लो, क्योंकि आज की वीडियो में हम वही देखने वाले हैं कि फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट हमने जो परचेस किया है उसे हम कैसे एक मिनट में ही कैंसिल कर सकते हैं, ये आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों हम ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम पास न करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट कैंसिल करने के लिए सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन सबसे पहले ओपन कर लेना है। फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन करने के बाद फिर आपके स्क्रीन पर कुछ ऐसा यहाँ पर इंटरफेस शो हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपको सिंपली क्या कर लेना है, नीचे आपको जो अकाउंट का जो ऑप्शन दिख रहा है उस अकाउंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पर आपको बहुत ही ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से आपको जो ऊपर ऑर्डर्स का जो ऑप्शन दिख रहा है उस ऑर्डर्स के ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। ऑर्डर्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर परचेस किया है वो प्रोडक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से आपको जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर कैंसिल करना है उस प्रोडक्ट पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों उस पर सिंपली क्लिक करने के बाद फिर आपके स्क्रीन पर कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर शो हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर शूज यहाँ पर बुक किए हैं, उस शूज का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद उस शूज की जितनी भी कीमत है वो कीमत यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रोडक्ट को हमें कैंसिल करना है। तो दोस्तों यहाँ से आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक एडिट ऑर्डर का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब आपको सिंपली उस एडिट ऑर्डर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उस पर सिंपली क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको तीन चार ऑप्शन यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से आपको जो लास्ट वाला आई वॉन्ट टू कैंसिल माई ऑर्डर का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों उस पर सिंपली क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में जो कैंसिल ऑर्डर का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। कैंसिल ऑर्डर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको कोई भी एक रीजन यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ से मैं जो सेकंड लास्ट वाला प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट हैज नाउ डिक्रीज का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर लेता हूँ। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी एक मैसेज यहाँ पर टाइप कर लेना है, माई ऑर्डर इज कैंसल, ऐसा मैं यहाँ पर मैसेज टाइप करता हूँ। उसके बाद दोस्तों अब आपको सिंपली क्या कर लेना है, जो सबमिट रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। सबमिट रिक्वेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमने जो प्रोडक्ट परचेस किया है वो प्रोडक्ट यहाँ पर कैंसलेशन कन्फर्म हो चुका है, यानी कि जो ऑर्डर हमने ऑर्डर की थी वो ऑर्डर यहाँ पर कैंसिल हो चुकी है। तो दोस्तों ऐसे हम फ्लिपकार्ट पर जो प्रोडक्ट परचेस करते हैं उसे हम कैंसिल कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।